जिला प्रशासन के दो एवं चार पहिया वाहन के प्रतिबंध के बाद सुबह 10 बजे तक वाहनों की कतार लगी हुई थी, जिस पर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा पुलिस बल के साथ बाजार में निकले। पहले थाना चौराया, आजाद चौक, फिर शेषशाही चौक और अंतिम में बस स्टैंड पर पुलिस ने पहरा लगाकर तकरीबन 50 वाहन जब्त किए। इसमें से कई वाहन जो आवश्यक कार्य वाले थे उन्हें राहत भी दी गई, क्योंकि पुलिस बेवजह कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि आम जनों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। दादा बिल्कुल हम तो कल से चिल्ला रहे हैं, कल से चिल्ला रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, किसी के समझ में नहीं। नहीं पेट्रोल मत भराओ ना, तो गाड़ी चल रही नहीं है, आप आराम से घर जाए ना। धन्यवाद। प्लीज घर पे बच्चे होंगे, हमें मालूम है। तो जो क्या सामान लेने आए थे, बहुत अच्छा बहाना, हर आदमी के पास ये बहाना है ना दादा। ये नहीं चले, देख लो फिल भरी हुई है। अरे पेट्रोल टैंक तो हमें मालूम, क्यों भर रहे हो? जब चलने नहीं तो क्यों भर रहे हैं आप? इमरजेंसी रखा है हमने, रखे थे हमारे फिली करा था। थाने कोई बात नहीं, थाने गाड़ी बैठ जाओ, हम छुड़वा देंगे। ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी, आराम से बैठ जाओ, हम छुड़वा देंगे आपको। आराम से बगैर इसकी कार्रवाई की मानने वाले नहीं है ना, हम गाड़ी छुड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचना बंद कर दो ना, अनावश्यक क्यों सोच। फोर व्हीलर वाहन भी जब्त करके थाने पहुंचाओ, देख लो कोई डॉक्टर वगैरह हो माता लागे। हाँ दादा, थोड़ा परेशानी उठाना पड़ेगी, गरीब सबकी सबको सुरक्षा के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग जिस मोटरसाइकिल में ज्यादा सामान आदमी नहीं उठा सकता वो बात अलग है। बेटा गाड़ी पीछे लगा थोड़ा सा अपने, देखो थाने में जब्त करके खड़ी करो। जिस वाहन में बुलवाने वाले मॉडल बुलवा दें, पहुंचे थाने, पहुंचे थाने पे बता दो जी। हर आदमी पर सब्जी का तो 13 टन माल उठा नहीं पाएंगे, बहुत वजन है, समस्या ऐसी है, थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी। कौन सी बैंक का? चलो हटाओ, हर आदमी को हर कार्ड का दुरुपयोग मत करिए। गाड़ी आप टू व्हीलर बिल्कुल ही बंद है, पहले आप थाने जाओ, कहीं गाड़िया तो बंद ही है। गाड़ी अंदर रखवाओ, पैदल जाने दो, पति देव
ताकत भर लीजिए कि दो ठेला नहीं उठा पा रहे हैं को। पास में ठेला ठेला पकड़ो निकलो ठेला जाओ और क्या चलो आगे थाने पे सुरक्षित रहेगी 14 दिन के लिए पैदल जाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा 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 उधर नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर जाओ। जो ज्यादा बहस कर रहा है उसको 14 दिन के लिए भेज दो क्वारंटाइन में। भाई ये चालीस बहुत सारी चीज मैं ग्रामीण में से आया हूँ और ग्राम के अंदर बेटा है नहीं दोबारा नहीं हमें आता है आता है लोकल वाले जाते आराम से घर 14 दिन बाद मिलेगी लोकल वाले जाइए ग्रामीण वाले इधर आ जाओ। ग्रामीण वाला कौन है ग्रामीण वाले ये ग्रामीण वाले गाड़ी दिलवा दो नाइसपुर वाले घर जाओ यहाँ गाड़ी सुरक्षित रखेंगे। लोकल वाले की बिल्कुल मत दे इनको घर जाने दो लोकल वालों को पैदल जाएंगे नहीं कोई जरूरत कोई कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं पीछे दो कदम पीछे जूता लेना शुरू कर देंगे हम बहुत हो गई उठवाए हम उठवाए यार दूसरे उठ नहीं उठा नहीं पा रहा कोई दूसरी जगह पहुंची रतलाम खाना कुछ दूर नहीं जाइए पैदल आदमी नहीं आ रही रखे मारो अंदर मंडी में जाना खाली मैं बच्चे को तरबूज लेकर आऊंगा बाकी से काम तरबूज लेके नगर पहले देख के गाड़ी रख देना अंदर हाँ तो ठीक है बात चले जाना अब गाड़ी मत निकालना गाड़ी गाड़ी लेके मैं समय में बस बता रहा हूँ आपको कहीं भी जाना दुर्गापुरा तो उधर ही रहो ना इधर क्या करने आ रहे आप लोग बच्ची रो रही थी अरे बोल दिया ना सब बोल रहे सभी बात उधर उधर नीचे उतरो बच्ची के लिए मेरी बात बेइज्जत हो गए नीचे उतरेगा क्या नीचे उतर चुपचाप लोग बोल रहे हैं लगा पिघल निकल गया।
क्या हुआ? अरे तू दो यार क्या जब अरे माल बैग ले बोल गाड़ी ले जाओ उनकी थाने जी सर थाने ले जाओ उनकी गाड़ी 14 दिन बाद आना ओझा कॉलोनी में लॉन्ग मिलती है शर्म आना चाहिए पैदल आइए आप ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं हम लोग कल से बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही ले जाओ गाड़ी इनकी 14 दिन बाद थाने पहुंच जाना कहां पे आ रहे उसकी गाड़ी की कौन सी गाड़ी टू व्हीलर बिल्कुल बंद हो गई है गोली भी लेना है तो पैदल ही आए तो नजदीकी मेडिकल से लो यहाँ आने की जरूरत नहीं है चलो तो आप पैदल आएंगे आप कड़ाई से पालन करना पड़ेगा लोकल के हैं तो इनकी गाड़ी थाने पहुंचवा दो चलिए आप लोग जाइए बहस मत करिए कृपा करके गांव के हैं तो जाने दो गांव के हैं तो जाने दो चलो नहीं गांव वाले भी ध्यान रखो आप कैसे ये सही में चलता पानी का भी लट कर कहाँ के रहने वाले हो एक मिनट कहाँ के रहने वाले हो चलो पहुँचे निकल जाते हो हम लाल दिया के चलो पैदल जाओ थोड़ा चर्बी कम होगी पैदल पैदल घूमोगे तो आदमी एक छोटा सा झोला दो झोले आराम से टांग सकता है आराम से अपन पुराने जमाने में पैदल चलते लोग 18,000 किलोमीटर घर जा रहे पैदल जा रहे ना सब्जी लेने के हमें बैठे का ये 14 तारीख 12 के लिए जाना अगर नौकरी खुल जाए तो समझ घर ही जाओ बंद है टू व्हीलर फोर व्हीलर तो आराम नहीं खा रहे तो ऐसे गाँव आजा आजा आजा
बेटा मना हो गई है। कहाँ घर कहाँ है? बिरला ग्राम वाले क्षेत्र, बिरला ग्राम क्षेत्र में सामान खरीदे कृपा कर। जाओ मेडिकल स्टाफ चिपका लिया। घर कहाँ है? जाओ फिर करे तुम इधर हो। तुम नौकरी कर रहे हो? कौन कर रहा है? कोई बात नहीं, कार्ड कहाँ है तुम्हारा? घर पे रखा है भाई साहब इनका कार्ड, कार्ड घर पे रख के आए हैं। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी हम जब्त कर रहे हैं। तो कार्ड का उपयोग करना चाहिए, गले में टांगना चाहिए जब आप ड्यूटी पे आए हो। ठीक है, उतर जाओ नीचे, ले जाओ गाड़ी इनकी। कार्ड करवाओ गाड़ी, यहाँ पे इकट्ठी करते जाओ, वहाँ खड़ी कर दो सामने। दूर पड़ेगा कुछ भी हो तो मत आना, लेकिन मोटरसाइकिल मत लेके आना, बंद हो गई है। और हमें जरूरी नहीं, रोज दो तीन दिन में एक बार जाओ। अब कल दिख गया तो कल जमा ही कर दूंगा तुमको मैं। हम पहुँचा देंगे, वो भी हमारी भी गाड़ी बंद हो गई है। दवाई तारीख बताओ, दवाई लेके आ बताओ। इंदौर की दवाई है सर, मिली नहीं। ये तो खाली घर ये गाड़ी में गाड़ी ले रहा हूँ। बोलो यार, गाड़ी मना है कल से बता रहे यार। कोई बात नहीं, चलो ले जाओ, दोबारा मत दिख जाना। बिल्कुल नहीं आएंगे महतवास के। हाँ, इधर इंतजार करो, हो सकता है कुछ अंदर क्या मतलब है ना। बंद हो गई है, खड़ी कर दो, पैदल जाओ, जो भी लेना गाड़ी पे अलाउ नहीं है। बंद हो गई है, इसलिए गाड़ी के बाहर नहीं निकल। खड़ी कर दो गाड़ी। करीबन 50 ऐसे मोटरसाइकिल मिली थी और आज तो उनको समझाइश दी गई है। कल सुबह 8 बजे से हम लोग फिर सक्रिय हो जाएंगे। और वैसे कल शाम से और आज हम लोगों ने अनाउंस किया था कि सभी फोर व्हीलर वाहन और टू व्हीलर वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार। और आज शाम को फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी मोटरसाइकिल अनावश्यक तौर पर घूमती पाई जाएगी। सर आपको किसी चंबल मार्ग में कार्रवाई करी है?